आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। राजनगरी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल में भी कोविड 19 के मरीजों को भर्ती करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसमें हाल ही में एक मरीज को भर्ती किया गया है। साथ ही अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी जिला अस्पताल के नए SIC डॉक्टर BS यादव निरंतर प्रयास करने में जुट गए हैं। नहीं, निरंतर व्यवस्था वो चाक चौबंद पहले से ही चलती आ रही है, इसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ये OPD में अब पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हमारा OPD करीब 600-800 के बीच में था, अब लगता है ऊपर बढ़ जा रहे हैं। कल में करीब 750-800 मरीज हुए, तो निरंतर स्वाभाविक है कि वो बढ़ेंगे पेशेंट, और उसके लिए उसी तरह से होमगार्ड मैंने लगा दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और लोगों को सही समय पर उनका पर्चा भी बन जाए और उनको डॉक्टरों से उपलब्धता भी हो जाए। तो हमारे सभी डॉक्टर देख रहे हैं, OPD सब चल रहा है, और दूसरा इंडोर भी हम लोग कर रहे हैं कोविड। जी हाँ, उसमें हमने जोन आज आवंटित कर दिया है। रेड जोन में कोई पेशेंट ही केवल जाएगा, और येलो जोन में और जो पेशेंट्स के अटेंडेंट है वो बाहर ही रहेंगे और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल पेशेंट जो जिसके सैंपलिंग होना है उसी को ही अंदर जाने की परमिशन हमने आज निर्देश जारी कर दिए।